जी, मैंने एक गाना गाया है इसमें, और शंकर सर का, शंकर एहसान लॉय उनका म्यूज़िक है, और जावेद सर के गाने लिखे हुए हैं सारे, और जो मैंने गाया है वो मैंने एक रिप्राइज वर्जन गाई है गाने की। एक्स्ट्रा एक गाना गाया है जिसका म्यूज़िक गौरव एंड कार्तिक ने किया है, बट कंपोजिशन एंड लिरिक्स जावेद सर के हैं और कंपोजिशन शंकर सर की है। और बाकी 5 गाने हैं जिसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, मेरा मेरा गाना एक है इसमें सर। जी, मेरे लिए अभी तक पैरेलल चलती आ रही हैं दोनों चीज़ें। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जितनी भी फिल्में मैंने आज तक की हैं वो मेरे गानों से मुझे ऑफ़र हुई हैं। जो मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी वो भी मेरे गाने के बाद मुझे ऑफ़र हुई थी, और जो मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थी इससे पहले एपी फिर भाग जाएगी, वो भी मेरा गाना देख के, गाने का वीडियो देख के मुझे वो फिल्म आई थी। और यही बोल सकता हूँ कि मेरे दोनों पैरेलल चल रही हैं, और मेरी सिंगिंग की वजह से ही मुझे इन एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। सो मेरे लिए दोनों अच्छी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं अमित अमर उजाला से सभी कलाकारों से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का किस तरह का असर समाज पर पड़ेगा, किस तरह का रिएक्शंस देखने को मिलेगा, मतलब वो जो आपके दिमाग में है और किस तरह का रिएक्शंस आ सकता है उसके बारे में प्लीज़ बताइए। मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने पिक्चर देखी नहीं, सो आई थिंक अश्विनी कैन आंसर दिस बेटर। मुझे ऐसा लगता है कि पंगा 7 इयर्स से लेके 70 इयर्स तक सबके लिए है, और हर एज ग्रुप, हर मैन, वुमेन, हस्बैंड, सन, ये सबके लिए है, क्योंकि माँ सबके ज़िंदगी में होती है, और हम सब ने कभी ना कभी अपने माँ के साथ ऐसा कुछ किया रहेगा जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। और एक रियलाइजेशन आता है जब आप थोड़ा पीछे हटते हो और देखते हो कि उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस चाहिए जितना वो हमको इम्पोर्टेंस देती है। सो ये सबके लिए है। नाउ दिस इज संदीप फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। आई कंगना, यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस एज फार एज यू नो द इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। आई पर्सनली फील दैट यू नो this amount of adulation and the adoration that you receive for the work you do and the way you do it to a certain extent kind of backfires on the personal front. For instance, जैसे जस्सी ने कई दफ़े इंटरव्यूज़ में बोला है कि बहुत जनों ने आई मीन वाइल ही वॉज गिविंग इंटरव्यूज फॉर वेरियस पोर्टल्स, बहुत जनों ने उनसे पूछा कि कंगना के साथ आप क्यों काम करें, बिकॉज शी विल बी वेरी डोमिनेंट एंड शी विल नॉट बी एबल टू इन यू नॉट बी एबल टू कोप अप विद एंड ऑल ऑफ दैट, बट लेटर ऑन ही रिफ्यूटेड ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्ट्रेट अवे। सो टू अ सर्टन एक्सटेंट यू फील दैट दीज स्टेटमेंट्स दैट आर मेड अगेंस्ट यू, यू नो दे काइंड ऑफ अफेक्ट यू, आई मीन डू दे अफेक्ट यू पर्सनली एंड मेंटली फॉर दैट मैटर? आई थिंक डेफिनेटली व्हेन जब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और मुझे लगता है जो आप खुद होते हैं वो आप दुनिया को उस तरीके से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं। आपका नज़रिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू नो योर ओन पर्सनैलिटी। तभी तो शीशे में जो आप देखते हैं वो खुद ही को देख सकते हैं ना। तो जब भी वर्ल्ड लाइट मुझ पे गिरे तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है, यू नो। सो आई थिंक हम जो खुद होते हैं हम दुनिया को वैसे देखते हैं। तो मुझे सभी बहुत विश्वसनीय लगते हैं सबसे ज़्यादा। तो पहले तो मुझे सब मैं सबकी बातों का विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो ये मुझे वो सब समझ ही नहीं आता कि बोलना कुछ, करना कुछ, देखना यहाँ, जाना वहाँ, वो सब मतलब एक अलग साइंस है, मुझे नहीं समझ आती। और कभी कभी जब ये एक बहुत ही हार्श रियलाइजेशन होती है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है या क्या कर रही है, तो इट कम्स लाइक अ बिग स्लैप ऑन योर फेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपने ही आप से खुद को दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? आप दुनिया की नज़रों से दुनिया एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ही आँखों से देख सकते हैं। सो कभी कभी बहुत शॉकिंग लगता है कि ये क्या था, मतलब वाओ, इतना कोई किसी के प्रति इतना ज़्यादा प्रिजुडिस कैसे कोई रख सकता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है इस बात की कि ये क्या है और किस तरह से ये मेरा वो बना के रखा हुआ है इमेज। तो एक मुझे याद है कोई एयरपोर्ट पे जो रिसीविंग स्टाफ होते हैं, तो उन उन वो लोग अपना एक्सपीरियंस अब एक्टर्स के साथ में बता रहे थे। तो जर्नलिस्ट उनसे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मतलब ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो जब मेरे बारी आई तो उन्होंने कहा कंगना कैसी है, क्या वो साइको है? तो आपको लगा कि
कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट. सो सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको लगा कि दैट्स सो अनफेयर कि किसी को ऐसे एड्रेस करना या किसी के बारे में इतना एक्सट्रीम विचार रखना. ये थोड़ा कम हुआ है अभी. अभी तो लोगों को यही लगता है कि मैं साइको हूँ या अग्रेसिव हूँ. मगर जब मैं नई नई आई थी, जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं. यू नो जिस तरह से आपके बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से आपको परसीव किया जाता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिजार, कम्प्लीटली बिजार. लाइक व्हेन माय सिस्टर गेव बर्थ टू हर चाइल्ड, शी सेंट मी फ्यू पिक्चर्स एंड शी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू पोस्ट दैम. I said, you're in the hospital bed and they have cut you open. Why do you want to post it? She's like, because tomorrow they will say that this is not your child. She's like, looking at the media, I'm 100% sure they will say, ek to he is so white and like you, they will say, ye isne yahan transfer kar diya. So I'm like, how you think? So zigzag, but very likely to happen. Kyunki wo ek to curly baal and itna pale. सो शी इज़ लाइक ये तो मेरा बच्चा लग ही नहीं रहा, एंड मोर लाइकली पीपल विल से इसका ही होगा, इसने इसको दे दिया. सो लाइक दैट वी आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन अ सर्टन फियर कि यू नो कौन कहाँ से हमें क्या बोल देगा. वही अगैन लाइक बच्चे सीन मी थ्रू फेजेज, जहाँ पे मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है. लाइक दैट दैट वॉज द टाइम माई सिस्टर ओपन द डोर्स एंड शी इज़ लाइक आई वॉन्ट मैगजीन्स टू कवर योर हाउस. Because what, you know, like, I'm not a person who will bring magazines into my house, you know, like, she's like, no, now I will tweet everything, everywhere you go, what you eat. Because how can you go on every platform and be like, you know, be so defensive? Life becomes so difficult. Does that happen to anybody who's from the film industry? It does not. So it's a very scary thing how outsiders are perceived and what all she, now she's constantly on Twitter. You must have seen that. 2 years ago, she didn't have time for all that. But she's so protective also because of the bizarre things people talk about outsiders.